हेलो नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन मेंटर पे स्वागत है। मैं अंकुर शर्मा। और फॉर्म भरने से पहले जो FCI मैनेजमेंट ट्रेनिंग का फॉर्म निकला है वो भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो चीज़ देख लें और पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेंगे छोटी सी वीडियो में कि कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ये मैंने नोटिफिकेशन खोला हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे आने वाले टाइम में हम इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे और प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं पहली बात, ठीक है। तो कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पहले तो व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ मैं आपको, 9121815869। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि और भी इन्फॉर्मेशन जो भी आती रहेगी मैं आप तक देता रहूँगा और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, उसके बाद मैं आपको छोटी छोटी बातें यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, फिर सिलेक्शन प्रोसेस पर जाएंगे हम। तो फॉर्म भरने से पहले आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आप एक ही जगह से फॉर्म भर सकते हैं। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी जोन ओनली दैट इज ईदर जोन साउथ ईस्ट, मतलब कहीं पर एक करेंगे और एक ही पोस्ट पर करेंगे। ओनली वन पोस्ट ओनली वन जोन, ठीक है। अगर आपने दूसरा किया तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपके फॉर्म मल्टीपल फॉर्म आपने भर दिए हैं, मल्टीपल फॉर्म जैसे क्या होता है, एक फॉर्म आपने भर दिया दूसरे में गलती हो गई, तो आपका जो बाद वाला फॉर्म है यानी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हायर होगा, यहाँ इस पॉइंट में यही लिखा है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बाद का होगा यानी बाद वाला फॉर्म, वो एक्सेप्ट होगा आपका अगर आपने वो पूरी तरीके से फिल किया है तो, ठीक। और क्या क्या चीज़ें दी हैं वो सारी चीज़ें देख लें इंपॉर्टेंट, फिर सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करेंगे कि कैसे कैसे प्रीलिम्स मेंस और फिर इंटरव्यू और फिर आपकी ट्रेनिंग वाला पीरियड भी वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में काउंट होगा। एक चीज़ और है कि पहले से सोच लो आप कि 3 साल के लिए, मतलब फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, आपके 1 लाख रुपीज़ स्टाइपेंड बॉन्ड के रूप में यहाँ पे लिए जाएंगे। FCI आपसे 1 लाख रुपये लेगा, सबमिट कराएगा, जिससे आप जॉब ना छोड़ो। अगर आप जॉब छोड़ देंगे बीच में तो वो वापस नहीं होगा। तो मिनिमम 3 ईयर्स पीरियड के लिए वो है, ठीक। एक बात ये समझ में आ गई, बाकी तो सारी चीज़ें नॉर्मल ही हैं। मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ और यहाँ पे एक एक चीज़ों को लेके हम सारी चीज़ों पे आएंगे। सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। यहाँ लिखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस, सो मैनेजर, अगर हम बात करें मैनेजर के अंदर जनरल, डिपो, मूवमेंट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल, मैकेनिकल, इन यानी हिंदी को छोड़ के सारे मैनेजर्स की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, जो कि 2 ऑनलाइन टेस्ट हैं, एक इंटरव्यू, एक ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग का भी यहाँ पे महत्व है जैसा लिखा है यहाँ पे, ठीक। सबसे पहले हम ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो 2 तरह के ऑनलाइन टेस्ट होंगे, एक होगा प्रीलिम्स, एक होगा मेंस, ठीक। तो फेज 1 के अंदर जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आप देखिए पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, तो लिखा है यहाँ पे पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंप्राइजेज ऑफ फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 का मतलब है प्रीलिम्स। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट, यानी सारी पोस्ट में आपको ये प्रीलिम्स पेपर देना होगा। ये कैसा है, जैसा आपका PO में आता है स्ट्रक्चर कि 20 मिनट में 30 नंबर के 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 35 नंबर के 35 क्वेश्चन मैथ के हैं और रीजनिंग के भी ऐसे ही हैं, ठीक है। मतलब रीजनिंग मैथ के ऐसे 20-20 मिनट की, 60 मिनट में आपको 100 का पेपर करना है और आप देख सकते हैं कि बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी। दूसरी बात, फेज वन के नंबर काउंट नहीं होंगे। लिखा है कि फेज वन का जो मार्क्स है, 1 नंबर का 1 है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और ये नंबर काउंट नहीं होंगे आपके मेंस में, यानी कि ये क्वालिफाइंग है। अब कट ऑफ कितनी जाएगी ये क्वेश्चन आप पूछोगे। तो देखिए पोस्ट पे डिपेंड करता है, कहीं पे अगर 5 पोस्ट हैं तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ हम, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है प्रिडिक्ट करना। तो डिपेंड करता है बच्चा किस लेवल का बैठा है। अगर ये जनरलाइज नहीं है, पहली बार एग्जाम हो रहा है, 2015 में इसके पहले एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उस समय ऑफलाइन पेपर था। अब ऑनलाइन और IBPS का पहली बार आया है तो आप समझ सकते हैं कि पिछले वाले से कोई लिंक नहीं होगा, ठीक। बाकी चीज़ें हम पहले से कुछ कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे और लिखा है कि फेज 2 में आ जाइए। अब आप फेज 2 में आ जाइए। तो फेज 1 क्लियर हो गया, तो जो लोग क्लियर करेंगे मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है वो उसकी 75+80+ जाने वाली है, क्योंकि पोस्ट्स कम है। तो 100 में से बच्चा इसका पेपर जैसा भी आएगा उसके ऊपर डिपेंड करती है। देखिए कट ऑफ एक बार मैं फिर बता दूं, पेपर अगर हार्ड आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर इजी जाएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। ये इतना समझाने वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि फेज 2 की जब हम बात करेंगे एग्जाम की, तो हिंदी को छोड़ के, मतलब चलिए पहले बात कर लें 3 मैनेजर्स की, जो डिपो जनरल ग्रेजुएशन बेस्ड हैं, डिपो जनरल और मूवमेंट, जो ग्रेजुएशन बेस्ड यहाँ पे मांगा हुआ है, तो वहाँ पे 1 पेपर की बात करें तो पेपर 1 ही होगा बस। और वो कितने नंबर का होगा नीचे बात करेंगे, 120 नंबर का होगा। मतलब पेपर 1 किस किस का होगा, जो डिपो जनरल और मूवमेंट के, उनका सिर्फ पेपर 1 होगा। फेज 2 का यानी मेंस का सिर्फ एक ही पेपर होने वाला है, ठीक। और जो जो आपके अकाउंट्स वाले, टेक्निकल वाले, मैकेनिकल वाले हैं, जो स्पेसिफिक पोस्ट हैं, जो स्पेशलाइजेशन है जिसमें, तो उसमें 2 पेपर होंगे। ये तो होगा ही होगा,
ये तो होगा ही होगा, उसके बाद पेपर टू और होगा, बात समझ में आ गई होगी। और जो हिंदी वाला मैनेजर है उसमें पेपर तीन और पेपर चार होगा, यानी पेपर एक और दो से उसका मतलब नहीं है। ठीक, अब आते हैं पेपर वन टू थ्री फोर कैसे कैसे हैं। तो अगर पेपर वन की बात करें जो सिर्फ डिपो जनरल और मूवमेंट के लिए है, तो वो 120 नंबर का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट में सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इसकी डिटेल डिस्कशन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आगे लेके आएंगे, फिलहाल इतना देख लीजिए। अगर आप स्पेसिफिक पोस्ट की बात करें तो उनमें पेपर वन तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें पेपर टू और होगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में करने होंगे और 120 नंबर के होंगे, यानी कि दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक, अब जो हिंदी वाले हैं उनके लिए ये वाला बॉक्स है, तो अगर आप हिंदी के नहीं हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो हिंदी वाले के लिए जहाँ पढ़ सकते हैं हिंदी वाले जो हैं, मैं आपको बता दूंगा पेपर नंबर तीन और पेपर चार होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं। अब अगर बात करें छोटी सी सिलेबस की, जो शॉर्ट में सिलेबस है, तो सिलेबस प्रीवियस ईयर जैसा ही है, सिलेबस प्रीवियस ईयर जैसा ही है, बट कंडक्ट IBPS करा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पेपर टू जो है दोस्तों वो 90 मिनट्स का है, 120 नंबर का है। क्या क्या आएगा? जनरल एप्टीट्यूड आएगा, यानी कि मैथमेटिक्स आएगा, कंसिस्टिंग ऑफ रीजनिंग आएगा, डेटा एनालिसिस करने के लिए आते हैं, DIV आएगा, तो मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, DI आएगा, उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होगा, करंट अफेयर्स और GK होगा। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पे माइंड में, क्योंकि IBPS कंडक्ट करा रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड करंट अफेयर्स क्लियर के लिए लिखा है, थोड़े मैनेजमेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम है, और आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे। तो फेज टू की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी, जिसमें मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी होंगे। हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देख के आपको यहाँ पे मैनेजमेंट की तैयारी भी कराएंगे, और करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी फेज टू के लिए होगी। लेकिन उससे पहले फेज वन पे हम लोग ही फोकस कराएंगे, आप लोगों को पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पे देने वाले। ठीक, उसके बाद क्या है कि जनरल डिपो इन सब के लिए है। उसके बाद अगर आप बात करें कि पेपर टू जो है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप अकाउंट के हैं तो अकाउंट का सिलेबस देख लो एक बार, अगर आप टेक्निकल बायोटेक्नोलॉजी के हैं एग्रीकल्चर के तो ये फूड साइंस वाला सिलेबस देख लो, अगर आप सिविल मैकेनिकल के तो यहाँ देख लो। ठीक है, तो सिलेबस फॉर द स्पेसिफिक पोस्ट नीचे दिया हुआ है। ठीक, तो वो पूरा सिलेबस आप एक बार, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप अकाउंट से हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जस्ट। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ मैं, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो और नीचे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद और चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस की मैं आपको बात बता रहा था, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको इतना समझ में आया कि अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है तो आप फेज टू में बैठ जाओगे, फेज टू में आओगे, फेज टू का एडमिट कार्ड आएगा और 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। मान के चलो कि आपकी डिपो की 46 पोस्ट हैं, तो कितने बच्चे बुलाए जाएंगे यहाँ पे, 15 से गुणा कर देंगे, 15 चौका 60 और 15 छक्का 90। ठीक है, यानी कि 690 बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे, तो 690 बच्चे पूरे ऑल ओवर नॉर्थ में यहाँ पे एग्जाम देंगे सिर्फ एक पोस्ट का। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब मेंस में जो क्वालिफाई करेंगे, यानी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके जो ऊपर के बच्चे हैं उसको ले लिया जाएगा। कितने बच्चों को ले लिया जाएगा, इसको 3 से गुणा कर दो, 46 को 3 से, यानी कि 3 गुना बच्चे इंटरव्यू में बैठेंगे। अब 46 को 4 तिया 12 6 तिया 12 6 तिया 18, यानी कि 128 बच्चे, तो 690 में से 128 बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं और वो इंटरव्यू देंगे। एक बार समझ में आई, यानी कि 46 पोस्ट में जो मेंस देंगे वो 690 बच्चे देंगे मेंस, और इंटरव्यू जो देंगे वो 128 देंगे। अपनी अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग 15 से और 3 से गुणा करके देख लो कितने कितने बच्चे देंगे उस पर्टिकुलर जोन में, उस पर्टिकुलर पोस्ट में, क्योंकि एक जोन और एक ही पोस्ट भरनी है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो कन्फ्यूजन की कोई बात रही नहीं है। उसके बाद इंटरव्यू का वेटेज कितना होगा, यही कहीं दिया होगा इंटरव्यू का वेटेज। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द मैनेजर, अच्छा मैनेजर हिंदी के लिए अलग से पढ़ लो आप, ये मैनेजर हिंदी के लिए फेज टू और यहाँ पे इंटरव्यू है, बाकी और कुछ नहीं है। उसके बाद स्किल टेस्ट भी होगा। तो क्या है, इंटरव्यू देख लो कि सारी पोस्ट एक्सेप्ट दैट हिंदी को छोड़ के क्या होगा कि 1:3 में बुलाए जाएंगे, यानी 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे और 10% का वेटेज होगा। तो जो आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अभी आप मेंस में क्वालिफाई किए हैं, अगर आप टॉप पे हैं, अच्छे खासे टॉप पे हैं, तो उसके बाद आपका जो इंटरव्यू का वेटेज है ओनली 10% है। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। 10 में से अगर आप बहुत अच्छे पर्सनैलिटी है, अच्छी स्किल्स हैं, सारी चीज़ें अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके 10 में से 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर आने की उम्मीद है। अगर थोड़े कम है तो 4-5 आएंगे, जिससे बहुत बड़ा यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, नंबर्स का। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग होगी।
उसमें भी लिखा हुआ है कि कैरी द वेटेज फॉर 10%, ठीक है, 10% का वेटेज है। मतलब क्या है कि ऐसा कुछ, देखिए सिलेक्शन तो वहाँ हो चुका है, लिखा है यहाँ पे कि सिलेक्शन हो चुका है, उसके उसी दिन इंटरव्यू वाले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक, डॉक्यूमेंट वेरीफाई इंटरव्यू वाले दिन हो जाएगा। अब 10% का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ मेरे हिसाब से तो इतना मतलब है, और एक चीज़ और है कि 40,000 रुपये महीना दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में, यानी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग पीरियड में आपको थोड़ा बहुत जज करेंगे कि कहीं आप अगर ऐसे ही कुछ करके अगर आ गए हो उसके अंदर, तो ट्रेनिंग पीरियड में भी वो 10% का आपको निकालने के चांस वहाँ पे रखते हैं। मतलब क्या है इसका पूरा पूरा कि ये है कि अगर आप सही हैं, अच्छे हैं, तो आप जब इंटरव्यू पास कर ले तो ट्रेनिंग बिल्कुल इजी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपको समझाएंगे, फिर छोटा मोटा टेस्ट लेंगे, आप उसे पास कर लेंगे। जब इतनी सारी चीज़ें आप निकाल के जाओगे तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं बुला रहे हैं, 1:3 ही, यानी 3 गुना बच्चे, यानी कि सारे के सारे पास हो जाएंगे। ऐसा होता है जनरली कि लगभग सारे ही पास हो जाएंगे, ट्रेनिंग का ऐसा बड़ा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ गड़बड़ या कुछ है तो वहाँ पे निकालने का भी चांस है, क्योंकि वो वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड है और आपको सैलरी भी 40,000 दे रहे हैं, आपको ऑन रोल नहीं किया गया है, ठीक। और जैसे ही आपको ऑन रोल करेंगे फिर आपकी जो एबिलिटी है, क्वालिफिकेशन, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट जॉब में, आपको पता ही होगा, एक बार आप ज्वाइन करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये मैंने शुरू में बता दिया था आपको कि एक ही जोन और एक ही पोस्ट पे अप्लाई करना है। और छोटी छोटी बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर होगा प्रीलिम्स के लिए वो काफ़ी सारे हैं, अपनी स्टेट में देख लो कितने कितने हैं आपके, अगर आप दिल्ली से हैं तो इतने सारे सेंटर हैं, अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो चंडीगढ़ मोहाली, ठीक है, तो ये सारे सेंटर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर, काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। लेकिन जब आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे तो एक स्टेट में मेरे हिसाब से एक ही सेंटर है, ठीक है, यूपी में, दिल्ली में ये है, यूपी में लखनऊ, इलाहाबाद है, और यहाँ पे अहमदाबाद, गांधीनगर, मतलब काफ़ी कम सेंटर्स हैं मेन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू, यही मैनेजर हिंदी की एक बार बात कर ले, मैनेजर हिंदी पोस्ट के लिए यहाँ पे सेलेक्टेड सेंटर्स हैं मेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेनिंग इंटरव्यू होगा वो हेडक्वार्टर में होगा, या फिर वो स्पेसिफिक सेंटर्स आपको देंगे कि कहाँ पे आपका इंटरव्यू है, ठीक। रिजोल्यूशन ऑफ द केस, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, सब रहता है, डेट ऑफ बर्थ और उसके अकॉर्डिंग रहता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। अच्छा, छोटी सी एक बात बता दूं, अगर आप नॉर्थ जोन से अप्लाई कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर जोन से अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन सी स्टेट आपके जोन के अंदर आती है। साउथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, ये सब चीज़ आ जाएंगी आपके साउथ में। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है, पर्टिकुलर जोन वाइज है, जोन वाइज है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं मैनेजर के बाद प्रमोशन एंड सैलरी पे वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके सारे लोग बोले मुझे कि एग्जैक्टली, क्योंकि उनके तो रिवाइज़ हो चुका है, सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी है 2017 जुलाई में, है ना, तो एक साल से ज़्यादा हो गया है रिवाइज़ हुए, तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कब मुझे कौन सी वीडियो बनानी है, सैलरी वाली, प्रमोशन वाली, क्योंकि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी कि भाई सैलरी कितना है, ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन का काम करेगी कि आप लोग डिमांड कर रहे हैं और वहाँ पे आप शेयर कर रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं स्पेशल वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ, ठीक। उसके बाद क्या है कि जो भी क्वालिफिकेशंस जो भी आपका है वो 1 अगस्त 2019 को काउंट होगा, चाहे वो आपकी एज हो या फिर आपकी क्वालिफिकेशन हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं आगे बात करूँ डेट्स एंड जो इंपॉर्टेंट डेट्स की हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, आगे आएगा इसमें कि क्या टेंटेटिव डेट्स हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ देख सकते हो आपके डेट्स क्या क्या हैं, यहाँ पे एक बार देख लो, बहुत ज़रूरी है कि फॉर्म भरना 28 तारीख से शुरू हो गया है, कब तक भरा जाएगा, 27 अक्टूबर तक, और 10 दिन पहले, यानी कि एग्ज़ाम डेट जो प्रीलिम्स की है वो लगभग कब है आपकी, वो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो लगा लो आपके पास 2.5 महीने हैं, 2 से 2.5 महीने हैं, नवंबर में मुश्किल है, एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा मेरे हिसाब से, नवंबर के एंड में हो सकता है, लेकिन नवंबर में तो मुश्किल लग रहा है, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ों में, तो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, और फिर आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, कम दिन है लेकिन अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन करना बिल्कुल शुरू करने वाले हैं, ठीक। चलिए, तो आई होप कि काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई यहाँ पे, और चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। एक बार फिर से बोल दूँ मैं आपको, व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9121815869 जुड़ जाएँ, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।